काख चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तदैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ये पांच वो लक्षण हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी के लिए होते हैं। ये संस्कृत का जो श्लोक है चाणक्य जी ने बताया हुआ है। सो मैं कोशिश करूंगी आपको इस श्लोक का मतलब बताने का और कैसे हम इसको अपनी जिंदगी में लेकर आए तो हम कभी भी अपने मार्ग तक पहुंचने से पहले रुक नहीं सकते और ना ही भटक सकते हैं, ना ही डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो जो पहला लाइन है इस श्लोक की वो बोलता है काख चेष्टा। काख मतलब क्रो, कौवा। तो जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि क्रो को बहुत प्यास लगी होती है, वो एक पॉट के पास जाता है, पानी उस पॉट में बहुत ही नीचे होता है, तो वो कौवा जो है वो पानी को पी नहीं पाता, तो वो एफर्ट्स करना नहीं छोड़ता, हार नहीं मानता, वो कहीं ना कहीं से पेबल्स को उठाकर लाता है, वन बाय वन ड्रॉप करता है और तब तक हार नहीं मानता जब तक वो पानी पी ना ले। मतलब पेबल्स या पत्थर को डाल के वो पानी ऊपर आता है और फिर वो जो क्रो है उस पानी को ले लेता है। तो ये चीज स्टूडेंट के लिए आप ये कह सकते हो परसिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रही है, रेगुलरिटी को एक्सप्लेन कर रही है, स्टेडीनेस को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए, अगर आप किसी चीज में वीक हो, अगर आप किसी चीज में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना आप करना चाहते, तो यू हैव टू बी यू नो इन प्रैक्टिस रेगुलर। जब तक आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक उसको रेगुलरिटी से प्रैक्टिस करो। तो पहली लाइन तो ये बोलती है। दूसरी लाइन है बको ध्यानम। बको संस्कृत में इसका मतलब है, आपने स्वान देखी होगी, एक नदी में एक चिड़िया टाइप की कुछ बर्ड होती है स्वान, जिसको फ्लेमिंगो भी बोलते हैं, वो हमेशा अपने एक पैर पे खड़ी रहती है और नजर से सिर्फ और सिर्फ नीचे मछली को देखती रहती है, और वो हर मछली को नहीं देखती, वो सिर्फ एक निशाना लगाती है, मतलब वो सिर्फ एक मछली को देखती है और उसी को देखती रहती है जब तक उस मछली को पकड़ के खाना जाए। तो बको ध्यानम, ध्यानम मतलब टू कॉन्सेंट्रेट। अब जब उस स्वान के चारों तरफ बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और भी चीजें आ रही हैं, पर वो अपनी एक मछली से ध्यान नहीं हटाती, तो ये चीज चाणक्य जी ने इसलिए बताई है। इससे क्या हम समझते हैं कि आप जब कुछ काम कर रहे हो या आपने फॉर एग्जाम्पल एक गोल बनाया, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें और गोल्स पे लाकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सपना देखा कि यार मैंने एक गोल सेट किया कि मैं तो नेवी में जाऊंगा या जाऊंगी, तो नेवी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो योर फोकस शुड बी ऑन नेवी ओनली, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने आपको 10 अपॉर्चुनिटीज और मिल रही है, कोई फॉर्म आ गया, मान लो IAS का आ गया या फिर PhD का आ गया या कुछ जॉब ऑफर आ गई, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए कि आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, पहले उसको कंप्लीट करो, जब तक उस लक्ष्य को पा ना लो तब तक और जगह पे अपने कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने आप को हमेशा एनालाइज, सेल्फ एनालाइज करते रहो, सेल्फ देखते रहो कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, अगर मैं कभी गिरा या अटका तो उसके पीछे का क्या कारण है, कैसे मैं उस चीज को वापस ठीक कर सकता हूं। तो ये तीसरी लाइन का मतलब है। चौथी लाइन है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब क्या हो गया, अल्प मतलब लेस, आहार मतलब खाना। अब हम में से कुछ लोग सोचते होंगे अल्पहारी मतलब खाना कम खाना, ठीक है वो बात सही है, खाना कम खाना है मतलब ये नहीं कि 10 पिज्जा खाते हो तो 4 पिज्जा खा लो, पिज्जा की बात ही नहीं हो रही है, किसी फास्ट फूड की बात ही नहीं हो रही है। अल्पहारी का मतलब होता है जो लाइट वेट, जो हमारी बॉडी को सूट करे, फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है उसको डेवलप करने के लिए जो फूड चाहिए, जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए ब्रेन के कौन से सेल्स को डेवलप करना जरूरी है, उसके लिए जो फूड चाहिए वो खाओ, ये तो खाना हो गया। अब आहार सिर्फ मुंह से थोड़ी ना खाते, हम आंखों से भी खाते हैं, हम कानों से भी खाते हैं। कहने का मतलब क्या, अल्प का मतलब होता है लेस, आहार मतलब इंफॉर्मेशन। किसी ने आके आपको बोला कि यार केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल,
केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक छोड़ के चले जाओ, बहुत बेकार होती है, मुझसे तो होती नहीं, तुमसे भी नहीं होती, एंड क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होते हैं। और आपने, आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था, आपका बहुत अच्छी पकड़ थी, बट आपने किसी की बात सुनी और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने क्लासेस देना बंद कर दिया, आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने गलत आहार ले लिया, अपने कानों से गलत चीज सुन ली। तो जिस वक्त आप पढ़ रहे हो, जिस वक्त आप अपने कुछ सक्सेस को हासिल करने के पीछे जा रहे हो, तो कभी भी बैड इन्फ्लुएंस नहीं होना, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, कोई नेगेटिव बोलता है सुनो ही मत। आपको सबसे पहले तो सेल्फ डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में बुरा हूँ। जो चीज आपको स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ, जो एवरेज है उसको स्ट्रांग बनाओ, और जो बिलो एवरेज है उसको एवरेज तक ले आओ, बस दैट इज मोर देन इनफ। अब ये नहीं है किसी इंसान का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, किसी का ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, तो जिसका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है उसको कोई आके बोले कि यार ऑर्गेनिक तो बेकार है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो उसका फिजिकल बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर वो ऑर्गेनिक को छोड़ के फिजिकल के पीछे भागे, ना तो ऑर्गेनिक का रहे ना ही फिजिकल। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी की फिजिकल बहुत अच्छी है, कोई आके बोले फिजिकल बेकार है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आंसर करेक्ट नहीं आते, वो ऑर्गेनिक पे आ जाए और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, और क्वेश्चन ऑर्गेनिक के भी नहीं हो रहे, तो जो उसका स्ट्रांग था वो भी स्ट्रांग नहीं रहा, और जो वीक था वो तो एवरेज में आके अटक गया। तो इसलिए अल्पहारी, अपना आहार आंखों से जो देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, मुंह से जो खा रहे हो, ये सारे भी आपके आहार है। तो कम खाना है, जितना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए बस उसी को ग्रैब करो। किसी के कहने से, नेगेटिव चीज कहने से ब्रेन वॉश मत हो। पूरी दुनिया में सारे लोग, मतलब मैक्सिमम मशवरा देने के लिए बैठे हुए हैं कि ये कर ले, वो कर ले, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। आपको पता है आप किस में अच्छे हो, मैं कोई नहीं होती आपको ये बोलने के लिए कि यार ऑर्गेनिक ही पढ़ो वही अच्छा होगा, या फिजिकली पढ़ो वही अच्छा होगा, नहीं। मेरा जो स्ट्रांग है मैं वो पढ़ती हूँ, आपका जो स्ट्रांग है आप वो पढ़ो, और उसको इस कदर मास्टरी कर लो कि उसका कोई क्वेश्चन ना छूटे, यही की ऑफ सक्सेस। अब कोई अच्छा ऑर्गेनिक में है, कोई फिजिकल में है, का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे की हैबिट्स को इंटरचेंज करो। कुछ अगर पॉजिटिव लगता है तो जरूर लो, पर अगर कुछ चीज आपके गोल स्टेटमेंट से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो से गुड बाय, एंड उस आहार को लो ही मत। तो ये हमारी चौथी लाइन थी। फिफ्थ लाइन जो है वो कहती है ग्रह त्यागी। अब ग्रह त्यागी को बहुत लोग नेगेटिव में ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं आप सब अपना बैग बुक को बांध कर आ जाओ ट्रेन उठाने के लिए, मेरे को तो टीचर्स ने बोला है घर छोड़ दो, इस वर्ड्स ने कहा है, नहीं। ये पुराने जमाने में, पहले समय में गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे टीचर्स वही पढ़ाया करते थे, एक शिक्षा दी जाती थी, एक डिसिप्लिन में रहा जाता था, 4 बजे उठते थे बच्चे, 8 बजे 7 बजे सो जाते थे, तो उनका एक शेड्यूल था, तो उस वक्त के लिए ग्रह त्यागी कहा गया। पर ग्रह त्यागी का डज नॉट ऑलवेज मीन कि घर को छोड़ना है, ग्रह त्यागी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। कंफर्ट जोन मतलब बिस्तर में बैठ के रजाई में घुस के पढ़ रहा हूं, यार पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, कैसे पढ़ोगे, ठंड लगे, गर्मी लगे, जो कुछ भी लगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी लगे आपको, जो कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू अपने कंफर्ट में, और कंफर्ट मत ढूंढो, मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मतलब है कि घर छोड़ के लालटेन उठा के उसके नीचे बैठ के पढ़ो, नहीं, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अगर आपका विल, आपकी बॉडी कह रही है कि यार नींद आ रही है सोने दो, नहीं पढ़ना है, भूख लग रही है यार खाना खा ले दो, नहीं पहले पढ़ना है, जो कुछ भी है अपने एक टारगेट बना लो, जब तक वो टारगेट अचीव ना हो अपने विल को बिल्ड करो कि तब तक मैं इस काम पे अटकूंगा जब तक ये पूरा ना हो जाए, या जो मैंने कमिटमेंट दिए हैं वो पूरे ना हो जाए। अब कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक बड़ा सा कमिटमेंट कर दो कि मैं तो जब तक अपना जैम का एग्जाम नहीं निकालूंगा तब तक तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगा, तो 6 महीने तक भूखे हो, ऐसा कमिटमेंट नहीं। पर डे का कमिटमेंट कि आज मैंने एक चैप्टर कम्प्लीट कर लिया, मैंने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, जब तक नहीं होएंगे तब तक नहीं सोऊंगा, नो मैटर व्हाट। विल एक मसल है, बिल्ड की जा सकती है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम।
आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे, दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी, एंड बिलो आर द लिंक्स, एंड साइड में मैंने कुछ क्लिपिंग्स दी हुई हैं जहाँ पे आप अन अकेडमी पे मुझसे जुड़ सकते हो. नीचे कुछ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के कुछ लिंक्स हैं, फेसबुक के लिंक्स हैं, एंड अन अकेडमी के लिंक्स हैं. आप मुझे फॉलो कर सकते हो. आई टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडर द कैटेगरी IIT JAM. ओके, चलिए, बाय बाय.